मैं यहाँ पर पिछले 40 साल से आ रहा हूँ। मी हैदराबाद वरून आले होतो माझ्या मुलीकडे, तो परंपरा पाहून ते टेस्ट करावा पाहो म्हणून आले। पूर्ण सिटी में काम निकलता है सुबह सुबह में, तो हम यहाँ आके जरूर मिसल खाते। नमस्कार दोस्तों, पुणे के फूड ब्लॉग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के जरिए हम देखने वाले पुणे की फर्स्ट मिसल। 120 साल पुराने पुणे की एक फेमस मिसल है, अभी हम उस जगह पर आ चुके हैं। तो पुणे के इस पुराने और ऐतिहासिक मिसल के बारे में हम इस वीडियो के जरिए देखने वाले है। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि काफी मजा आने वाला है हमें खाते हुए भी और इस वीडियो के जरिए इस मिसल की कहानी बताते हुए भी। तो चलिए चलते है। तो दोस्तों ये जो प्राचीन शॉप दिख रहे हो, अभी ये मिसल होटल है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। वैद्य उपहार ग्रह मतलब यहाँ पर लिखा है कि ये सर्वात जुनी मिसल। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो 1910 से शुरू हुई है मिसल। तो चलिए देखते हैं अंदर जाके। तो दोस्तों जैसे कि हम आ चुके हैं इस होटल पे, अभी हमें जाने के लिए देर लगेगी क्योंकि आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पर। मतलब जो पुरानी मिसल है उसका टेस्ट भी कुछ अलग है, हर रोज यहाँ पर जो भीड़ होती है। तो चलिए अब हमें जगह मिलेगी तभी हम अंदर जाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ है अभी इस होटल के एक पुराने ग्राहक जो कि काफी साल से जो है यहाँ पर मिसल खाने के लिए आते हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं इस मिसल के बारे में। तो आप हमें बताइए कि आप कब से जो है मिसल खाने के लिए आते हैं और क्या खास बात है यहाँ पर? ये हमारी फोर्थ पीढ़ी है जो यहाँ पे मिसल खाने आती है। जब हम इसमें जितने थे उससे हमें हमारे पिताजी, और हमारे पिताजी भी यहाँ पे कॉलेज में पढ़ने थे, तब से आते हैं। तो बहुत पुरानी और बहुत बढ़िया है। आज भी हम लोग स्पेशल मिसल खाने के लिए यहाँ पे आए हैं। अभी भी हम हड़प्सर से आते हैं तो हमारे साथ दोस्त लोग भी मिसल खाने के लिए आता है। तो बहुत बढ़िया मिसल है ये, जो कि इन्होंने बताया कि किस तरह की मिसल है। मतलब ये उनकी फोर्थ पीढ़ी है जो कि यहाँ पर मिसल खाने के लिए आई है। ये परंपरा आगे भी बढ़ती रहेगी। तो चलिए देखते हैं, हम भी टेस्ट करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों ये भीड़ जो है अभी रास्ते तक आ चुकी है जो कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अंदर जाते हैं हम। तो ये होटल में आ चुके हैं और ये जो शॉप है उनके ओनर के खास फ्रेंड है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से ये शॉप चलती आ रही है, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पर ये काम करते हैं। तो ये हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। वैद्य मिसल पुणे, इसकी स्थापना हुआ है 1910 तक। अभी तक यही चल रहा है, यही जगह पर है जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये सब वही फर्नीचर है। उसके बाद इधर जो पहले, वैसे तो हम प्रॉपर कोकण से इधर आए तब मिसल का नहीं था। हाँ। कुछ ऐसा ऐसा छोड़ा बोड़ा हम कोकण का डिश चलाते थे। बाद में 110 के आ गया और 10 यानी 120 में मिसल का चारों आइडिया आ गया। तब से अभी तक यहाँ चल रहा है। यहाँ के सब पॉपुलर कलाकार, गायक, राजकारणी यानी पॉलिटिशियन, सब जितना भी आपको पुराना नाम याद है वो यहाँ आके गए। उनके अभी इसके लिए फोटो नहीं है, कुछ निकाल दिए, कुछ 5-6 डन फूट गया था तब बह गए। अच्छा, ऐसे चल रहे हैं। और जो आपने रस्सा देखा है हरा रंग का, उसमें अदरक लहसुन कोकोनट रहता है, उसका जो ऑयल होता है उस ऑयल से हम बनाते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल कम डालते हैं लेकिन कम रहता है। तो ये ऐसे ही हम कह सकते हैं क्या ये पुणे की फर्स्ट मिसल है? हाँ, पुणे के फर्स्ट मिसल है ये। फर्स्ट ये सेकंड। तो दोस्तों इस तरीके से हमें इस मिसल के बारे में सर ने इन्फॉर्मेशन दी। तो पुणे की फर्स्ट मिसल आप जरूर ट्राई करने के लिए यहाँ पर आ सकते हो। तो जो लोकेशन लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। ले रहे हैं आलू का सब्जी, बाद में ये मटकी का सब्जी और ये अंडा पोहा। उसमें डालेगा पत्तल भाजी, हरा रस्सा, बाद में सेव,
बाद में उसके ऊपर आएगा चूड़ा पत्तल पोहे का, और इसके ऊपर डालेंगे कांदा। ये हो गया मिसल। तो दोस्तों जब मिसल इस बॉक्स में आती है तब इसको जो है कस्टमर को सर्व किया जाता है। तो इस तरीके से पार्सल कस्टमर को सर्व किया जाता है और इस तरीके से टेबल सिस्टम यहाँ पर लगाई है। हम अभी यहाँ पे मिसल पाव खाने के लिए पुरसुंगी से आए हो। हम जहाँ पे भी है हमारा पुणे सिटी में काम निकलता है सुबह सुबह में, तो हम यहाँ आके जरूर मिसल खाते हैं क्योंकि यहाँ का टेस्ट हर जगह मिसल अपने को लाल मिर्ची की मिलती है, यहाँ पे हरी मिर्ची की मिसल रहती है। ये बहुत अच्छा टेस्ट है, इसलिए हम यहाँ पे आने के बाद मिसल खाते ही जाते हैं। मैं यहाँ पर पिछले 40 साल से आ रहा हूँ वज्र उपाग्रह में। यहाँ का मिसल बहुत अलग है। यूजली हम जो देखते हैं जो ग्रेवी रहती है लाल मसाला की होती है, पर ये यहाँ पर उनका जो स्पेशलिटी है ग्रीन मसाला में बनाते हो। बाकी उनके जितने भी पदार्थ हैं यहाँ पर जो बनाते आइटम वो सब कुछ उनको घर में बनाते हैं, कोई चीज़ बाहर से नहीं आती है। तो इसलिए इसका स्वाद जो है एकदम अलग है। आप देख सकते हो कि जिस तरह का यहाँ पर लोगों का आना जाना चला है उससे ये पता चलता है कि कितना अच्छा है। और पिछले 40 साल से मैं आ रहा हूँ तो उस पर से आप अंदाज लगा सकते हो कि इसका टेस्ट कैसा है। इट्स वर्थ द वेट। थैंक यू। मी या इथे 35 ते 37 वर्षापासून येतो, दर रविवारी मिसळ खात असतो आणि पहिली जेव्हापासून सुरुवातीपासून जी चव होती तीच चव त्यांनी अजूनपर्यंत मेंटेन केलेली आहे। दही पण तसंच आहे, हे जे दही आहे हे पण तेव्हापासूनची जी क्वालिटी आहे तसंच ठेवलेलं आहे। त्याचबरोबर हा जो रस्सा आहे हा पहिला पण असाच होता आणि आत्ता पण असाच आहे। हा रस्सा पूर्णपणे हिरव्या मिरचीत बनवलेला आहे। तो दोस्तों अभी हम एक रिव्यू लेने वाले जो कि एक कस्टमर है जो कि पहली बार यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आए। तो इस उपाग्रह का नाम भी वैद्य है और इनका सरनेम भी वैद्य है, इसलिए उनको ये टेस्ट कैसा लगा हम बात करते हैं उनसे। मी हैदराबाद वरुण आले होते, माझा मुलीकडे मुली आणि जावई सगळा आहे। तुमचा वैद्य आडनाव आणि पूर्वीचं परंपरा पाहून ते टेस्ट करावा पाहावं म्हणून आले, तर छान वाटलं। एवढं एक लॉंग टाईम तुम्ही हे करून आले म्हणजे परंपरा जपून आलेला आहे, त्याचा अभिमान वाटलं खरं, म्हणजे खूप छान वाटलं आणि पदार्थ पण चांगला आहे सगळं। हाय, मेरा नाम गोपाल है, मैं FTII पुणे में पढ़ता हूँ और मैं महाराष्ट्र के अंबाजोगाई टाउन से बिलोंग करता हूँ। और ये वैद्य मिसल जो है ये सबसे पुराना मिसल है पुणे का, और मैंने काफ़ी दिनों से इसके बारे में सुन रखा था और मैं चाहता था कि एक बार इसका जायका उठाया जाए, तो मैं मेरे दोस्त के साथ आया हूँ। बहुत ही लजीज टेस्ट है, बढ़िया है, प्रिपरेशन भी अलग है, मिसल के कंटेंट्स भी जो नॉर्मली होते हैं स्प्राउट्स वगैरह के साथ मिला हुआ वो नहीं है, कुछ अलग है जो आप आके देखिएगा। और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। मिसल के साथ और भी अन्य व्यंजन है जिनका आप लुत्फ उठा सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। और ये पिलर्स, ये स्ट्रक्चर देख के ही पता चलता है कि सजो के रखा है और संभाल के रखा है, शायद इनका रेसिपी भी इतने सालों में इन्होंने बदला नहीं है, सेम ही है। इट्स अ वाइब। और अभी 11:30 बजे दरवाज़ा बंद हो गया है और लिमिटेड टाइम है, सो ट्राई योर लक। हम करते हैं डिटेल में किस तरीके से हम, तो देख सकते हो ये
पहला काम मिसल माना को रहता है। नॉर्मली बाहर अगर आप मिसल खाओगे तो आपको रेड कलर का जो कि लाल मिर्च से बना हुआ रसा देखने को मिलता है, लेकिन अभी ये रसा है और उसमें दादा दादा एक शीरा एक दही बाटी और काफी लाडू दिया जो कि हमने मेकिंग आपको दिखाई है और उनका जो जो कि नॉर्मली हमें पाव मिलता है ब्रेड टाइप यहाँ पर हमने दिया है तो ये काफी यूनिक बातें हैं। तो दोस्तों काफी ये मिसल है तो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है शाम को अगर आप 3 बजे से 7 बजे तक आपको ये मिसल यहाँ पर डोर बंद हो चुका है क्योंकि 11 बजे तो चलिए देखते हैं टेस्ट करके किस तरह से। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट बाइट लेकर देखते हैं क्योंकि मैं फर्स्ट बार यहाँ पर आ चुका हूँ। हेलो एवरीवन, तो काफ़ी सुनने में आया था कि ये जो वेद मिसल है 100 काफ़ी पुरानी है और बहुत कुछ सुना था इसके बारे में, तो आज मैं यहाँ पे ट्राई करने के लिए आया हूँ। लगभग 114 साल पुरानी ये मिसल है और ये लोग यहाँ तब से सर्विस दे रहे हैं। तो आप जान सकते हो दोस्तों 114 साल यानी कि अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है, यानी कि आज़ादी के पहले से ये मिसल स्टार्ट है और जैसा सुनने में आता बिल्कुल वैसे ही ये मिसल सबसे अलग है। क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है इनकी और अब तक बहुत मिसल मैंने ट्राई की है मगर ये वाली मिसल अलग है, कुछ बढ़िया है, तो अच्छी लगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमें इस मिसल के बारे में सर ने इन्फॉर्मेशन दी, तो पुणे की फर्स्ट मिसल आप जरूर ट्राई करने के लिए यहाँ पर आ सकते हो। तो जो लोकेशन लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। बोलना पूरी है।